कल जो फाइट्स पढ़ चुके थे प्रोटेस्टर का, आज पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजेलेटेड के बारे में कि डाइनोफ्लैजेलेटेड क्या होता है। डाइनोफ्लैजेलेटेड ये क्या है? किंगडम प्रोटेस्टा का है, है ना? किंगडम प्रोटेस्टा है कपास का, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेटेड, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। तो क्राइजोफाइट्स के बारे में कल पढ़ चुके थे, आज डाइनोफ्लैजेलेटेड। डाइनो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब क्या हो गया? टू टू। और फ्लैजेलेटेड का मतलब क्या हो गया? फ्लैजिला, जिसमें दो फ्लैजिला हो उसमें क्या किया? डाइनोफ्लैजेलेटेड। ये मोस्टली जो है वो मेराइन होता है। कैसा होता है? मेराइन होता है, मोस्टली मेराइन होता है। मोस्टली कैसा होता है? मेराइन होता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है? और अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, तो जेंथोफिल कहते हैं। जेंथोफिल फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें कि इसमें हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट है यानी जेंथोफिल प्रेजेंट है, जिसके कारण जो इसका कलर होता है वो वैरी करता है, ठीक है? तो ये कैसा दिखता कैसा है? तो ये अपीयर करता है ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, रेड, इस तरह से ये अपीयर करता है, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और रेड। ये डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट, ये जो इसका कलर होगा वो डिपेंड ये करता है कि उसके मेन जो पिगमेंट है वो क्या प्रेजेंट है। अगर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है तो कैसा अपीयर होगा, कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। अगर ब्राउन है तो ब्राउन दिखेगा। अगर पिगमेंट ग्रीन का है तो ग्रीन पिगमेंट दिखेगा। अगर ब्लू का है तो ब्लू पिगमेंट दिखेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट, जैसा भी होगा उस तरह का ये अपीयर करेगा। ये ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और रेड अपीयर करेगा होगा क्योंकि ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू मेन पिगमेंट के कारण, मेन पिगमेंट, ठीक है? कहाँ पे मेन पिगमेंट? इन सेल। किसमें? सेल में। तो जो सेल प्लेट होता है, सेल वॉल है, स्टफ सेलुलोज प्लेट, इसके सेल वॉल में स्टफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टफ सेलुलोज प्लेट प्रेजेंट होता है। इसमें जैसा कि पता है कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो डाइनोफ्लैजेलेटेड है। कहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा? तो वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट लॉन्गिट्यूडनली एंड वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट ट्रांसवर्सली बिटवीन द फोरोस। बिटवीन द फोरोस का जैसे डाइनोफ्लैजेलेटेड का डायग्राम बना रहे हैं, बिटवीन टू फोरोस।
रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल ले ले, तो ये रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल हो गया तुमको डाइनोलेक्स, डाइनोलेक्स ये है रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड। कौन सा डाइनो फ्लैजेलेटेड? रेड डाइनो, रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड। तो रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड है क्या हो जाता है डाइनोलेक्स जब ये प्रेजेंट होगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन मैरीन वाटर, तो एसियन में प्रेजेंट होगा, और एसियन में प्रेजेंट होगा तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रैपिड मल्टीप्लीकेशन से रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से पाँच, तो इतना इसमें रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है जिसके कारण पूरा जो सी होता है वो इससे भर जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेन पिगमेंट रेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेन पिगमेंट एज ए रेड, दिस अ कंप्लीट सी अपीयर्स लाइक रेड टाइड्स। ऐसे एक समुद्र में तो टाइड्स होता ही है, ऐसे ऐसे टाइड्स समुद्र समझते हो ना, इस लहर जो होता है तो वो जो पूरा कम जो सी का जो टाइड्स होता है वो कंप्लीटली दिखता है रेड टाइड्स की तरह, कि लाल लहरें इसमें से उठ रही हैं। तो क्यों ये होता है? क्योंकि रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड प्रेजेंट है, और रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड प्रेजेंट है तो उसमें मेन पिगमेंट क्या होगा? रेड कलर होगा मेन पिगमेंट, इसलिए इसका जो सी जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है यानी कि मैरीन वाटर में, तो ये वहाँ के कंप्लीट सी अपीयर्स लाइक अ रेड टाइड की तरह दिखता है। और इसमें जो रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब काफी बहुत ज्यादा इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, ड्यूरिंग अ 1 मिनट ऑफ टाइम इट मल्टीप्लाई 1000 100 लाख, ठीक है, इतना इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है कि तुरंत अगर एक है तो अभी थोड़ी देर के बाद, एक मिनट के बाद ये जो है हजारों हो जाए, तो इतना इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है रैपिड मल्टीप्लीकेशन कि ये एक से दो, दो से चार, और हजारों बनने में, लाखों बनने में इसको टाइम नहीं लगता, और पूरा सी कवर हो जाता है जैसे कि उसमें लाल लहर आया हो, रेड टाइड आया हो। तो ये हो गया तुम्हारा डाइनो फ्लैजेलेटेड। डाइनो फ्लैजेलेटेड कैसा होता है? मोस्टली मैरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, एंड अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट होगा, जैंथोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसी के कारण जो रेड अपीयरेंस होता है वो अल्फा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। ब्लू ब्राउन ग्रीन रेड अपीयर होगा, क्यों अपीयर होगा? क्योंकि उसमें जैसा मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसा होगा, अगर ब्लू होगा तो, अगर यहाँ पे ये ब्लू होता तो ये ब्लू अपीयर होता, रेड है तो रेड अपीयर है, इसमें ग्रीन होगा तो ग्रीन ही अपीयर होगा। इसमें सेल वॉल जो होता है इसका स्टफ सेलुलर प्लेट से बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स प्लाज्मा प्रेजेंट होगा जो कि फोरोस के बीच में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल हो गया गाइनोलेक्स रेड डाइनो फ्लैजेलेटेड रैपिड मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो है ये हो गया तुम्हारा डाइनो फ्लैजेलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स, ज्यादा कोई दिक्कत है? तो इसमें देखो फोटोसिंथेटिक है तो कौन सा पिगमेंट डाइनो फ्लैजेलेटेड प्रेजेंट होगा, है ना, ये याद रखना। ये कैसा होता है? मोस्टली मेराइन, ठीक है। उसके बाद कलर का जो ये कलर अपीयर होगा ड्यू टू मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सेल वॉल कैसा होगा? स्टिफ सेलुलर प्लेट का बना होगा। ये जो प्लाज्मा होगा वो कैसा होगा? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स होगा। एग्जांपल क्या होगा? गाइनोलेक्स। गाइनोलेक्स किसका एग्जांपल है? डाइनो फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल है, ठीक है। इसके कारण रेड टाइड आता है सी में। तो ये जो रेड रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है जिसके कारण ये रेड टाइड जैसा शो करता है, तो जैसे ये तो ऊपर से तो ये दिख रहा है कि पूरा जो मैरीन है तो वहाँ पे ये पूरा कवर्ड हो गया, आउटर लेयर जो वाटर का हो गया वो कवर्ड हो गया इसी से, तो उसके अंदर और भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कुछ फिशेस होंगे जो प्रेजेंट है, जो मैरीन एनिमल्स है वो प्रेजेंट है, तो वो तो अंदर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो अंदर में है, और ये क्या करता है? लेयर के ऊपर में रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे पीसेस जो है वो इसके कारण डेथ हो जाता है। कैसे? कि ये जो है सिक्रीशन एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पीसेस है वो डेथ होकर जाती है। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये क्या है? तो ये है सेक्सी टॉक्सिन। ये सेक्सी टॉक्सिन होता है
जो कि ये डाइनोफ्लैगेलेट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिसके कारण जो मराइन वाटर में फीसेस है वो डेथ कर जाती है। तो ये याद रखना है, नीट के क्वेश्चंस में आता है ये। तो दूसरा जो है वो है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड, तो यूग्लेनोइड क्या होता है? ठीक है, तो ये जो है इसका एग्जांपल हो गया यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये फ्रेश वाटर होता है और ये स्टैग्नेंट प्रेजेंट होता है। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर है और स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि ये अपना शांत शांत फ्लोट कर रहा है। ठीक है, शांति शांति अपना फ्लोट, स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर में है, स्टैग्नेंट अपना ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा ये भी जो है ये इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि ये ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हिटरोट्रॉफ दोनों होता है। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है कि ये ऑटोट्रॉफ और हिटरोट्रॉफ दोनों होता है, जबकि इसमें पिगमेंट भी प्रेजेंट है। लाइक हायर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी यूग्लिना में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट होता है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों नेचर का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो आखिर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता तो कुछ तो चाहिए। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन का रिच लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं, जो इसके बॉडी के शेप को मेंटेन करता है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ शेप, मेंटेनिंग ऑफ शेप। ठीक है, तो प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? पेलिकल कहते हैं, जो हेल्प करता है इसके बॉडी के शेप के शेप में रखने का। तो यूग्लिना फ्रेश वाटर हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, फ्रेश वाटर में ये पा जाते हैं, स्टैग्नेंट अपना रहता है, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल इसमें लाइक हायर प्लांट्स की तरह इसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इसमें अब्सेंट होता है, नहीं होता है, जिसके कारण कि एक नया चीज इसमें डेवलप होता है, दैट इज प्रोटीन रिच लेयर, इसको क्या कहते हैं? पेलिकल, जो क्या करता है? इसके बॉडी के साइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये ऑटोट्रॉफ और हिटरोट्रॉफ क्या है? तो ऑटोट्रॉफ यानी फोटोसिंथेसिस जब होगा तो ये शो करेगा कि ये ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस जब शो करेगा यानी इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है हायर प्लांट्स की तरह, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ये कैसा होगा? ऑटोट्रॉफ होगा। लेकिन जब इसे सनलाइट नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सन से हमें जब सन से इसे सनलाइट मिलेगा तब कैसा होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन ड्यूरिंग एट नाइट जब सनलाइट नहीं होगा तो ये हेटरोट्रॉफ होगा, यानी ये ऑर्गेनिज्म को प्रे को अपना प्रीडेटर का काम करेगा, प्रे को अपना शिकार जो है लेकर के खाएगा। कुछ इंसेक्ट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इसको ये एंगल्फ करता है। तो जब ये किसी चीज को एंगल्फ करता है यानी खाता है तो ये क्या हो गया? हेटरोट्रॉफ। और ये तभी होगा जब सनलाइट नहीं होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तो इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये हो गया यूग्लिना। इसमें भी दो फ्लाजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी कितना फ्लाजिला प्रेजेंट होता है? दो फ्लाजिला प्रेजेंट होगा। एक फ्लाजिला जो होगा वो दोनों फ्लाजिला जो होगा एक ही जैसा होगा। इसमें डायग्राम बना देते हैं, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरह से इसमें फ्लाजिला निकला हुआ होता है। एक फ्लाजिला जो दो फ्लाजिला होगा और दोनों फ्लाजिला आपस में एक दूसरे पे इस तरह से अटैच रहेगा कि एक शॉर्ट फ्लाजिला होता है और एक
लॉन्ग फ्लैजिला, तो ये आपस में एक दूसरे के इस तरह से कनेक्ट रहता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट फ्लैजिला और दूसरा लॉन्ग फ्लैजिला, इस तरह से इसमें भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया यूक्लेनोइड। इसमें देखो, और इसको जो है ना बायोलॉजिकल पजल भी कहा जाता है, पहेली भी कहा जाता है, और इसको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। यूक्लिना को क्या कहते हैं? प्लांट्स और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक, एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं किसको? यूक्लिना को। तो क्वेश्चन आता है नीट में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? यूक्लिना, व्हाई, क्यों कहते हैं? ये ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ दोनों नेचर का शो करता है, जब सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, जब नहीं होगा तो एनिमल की तरह ये बिहेव करेगा। जैसे एनिमल हेटरोट्रॉफ होता है, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो उसी तरीके से ये एक तरह का पजल है, पहेली है, ठीक है, जो कि यूक्लिना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो यहाँ से ये सब कैरेक्टर जो भी बता रहे हैं ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, हाइयर प्लांट का क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, ये दोनों शो करेगा। उसके बाद इसमें प्रोटीन रिच लेयर एक नया चीज है जिसको पेलिकल कहते हैं, वो प्रेजेंट होगा, और दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या तो कोई दिक्कत है नहीं?